आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत ये थी कि उसके झोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो गरीब। उस अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बार उसे भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा, चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी, दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी, तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपए मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपए कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपए खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपए एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपए बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार भी वही हुआ, शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500 रुपए देकर के। उसके पास 100 रुपए अभी भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियां मिली, उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी न किसी जगह पर बहाने बनाकर के खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियां मिल चुकी थी। उस शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियां दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे, तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी, उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़े खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं, शौक था। साथ ही अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा, जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते तो ऐसा नहीं है, वो गरीबों से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते, और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है, ये सोचिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भगवान या किस्मत सच में आपकी गरीबी के जिम्मेदार हैं? और अगर अभी तक आप यही समझते थे तो आपने अपनी सोच बदली या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अपनी सोच बदल ली है और आपको लगता है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहिए तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर करिए। इतना ज्यादा शेयर करिए कि लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दें और फिर कोई भी रुकावट उन लोगों को अमीर होने से ना रोक पाए। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए फेसबुक पर, इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर, इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप के सारे दोस्तों के ग्रुप में, जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करिए। जितनी ताकत से शेयर कर सकते हैं उतनी ताकत से शेयर करिए।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लेकर आता रहूंगा और आप में से आपका बेस्ट निकालने में आपकी मदद करते रहूंगा। तो आप वीडियो को शेयर करिए और मुझे विदा दीजिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।